500 और 1000 के नोट बंद होने पर भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगेगी, यह कहना है भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा का। रेणु चड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला गरीब जनता के लिए है। जनधन खातों और अन्य खातों में जो पैसा जमा हुआ है उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब जनता को ही होगा। भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद होने पर भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए गरीब जनता कष्ट झेलने को भी तैयार है और अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही है तो गरीब जनता में खुशी की लहर भी देखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला गरीब जनता के लिए जनधन खातों और अन्य खातों में जो पैसा जमा हुआ है उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब जनता को ही होगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। रेणु चड्ढा ने कहा कि मोदी जी के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है और देश की गरीब जनता गदगद है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काले धन पे डेफिनेटली लगाम लगी है, और जो तो गरीब जनता है वो इस फैसले के लिए हर किस्म का कष्ट भी झेलने को तैयार है। अव्वल तो कष्ट आया नहीं और अब स्थिति इतनी सामान्य हो रही है कि एक खुशी की लहर देखी जा रही है इन गरीब जनता के बीच में, क्योंकि मोदी जी का हर फैसला गरीब जनता के हित के लिए है। और इतने पैसे जमा हुए हैं जनधन अकाउंट्स में और अदरवाइज भी कि जन कल्याण के लिए जिस वक्त ये पैसा यूज़ होगा तो इन्हीं गरीब लोगों के लिए ये फैसला होगा। भ्रष्टाचार पर कंट्रोल रहा और काले धन पे कंट्रोल डेफिनेटली होगा ही होगा। तो मोदी जी के ये गजब के जो फैसले हैं ये दुनिया को ही केवल हैरान नहीं करते, यहाँ की जनता भी गदगद है। ठीक है, के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। जनधन खातों में करोड़ों रुपए उन्होंने जमा कर दिया अपने।